ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता के बारे में बात करने के बाद अब हम यहाँ संरूपीय समावयवता को देखते हैं। संरूपण यानी कि कन्फर्मेशन या संरूपीय समावयवता, जिसे हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये क्या होती है? तो ऐसे कार्बनिक परमाणु जो एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड यानी एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, वे अपने अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एकल बंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की इस मुक्त घूर्णन के कारण जो अणु है उसकी त्रिविम में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं संभव होती हैं। इन व्यवस्थाओं को ही संरूपण यानी कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो किसी अणु के वे त्रिविम समावयवी जो उसके एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन एकल आबंध के घूर्णन से उत्पन्न होते हैं, संरूपण या कन्फर्मर्स कहलाते हैं, या इनको हम रोटेशनल आइसोमर्स यानी कि घूर्णन समावयवी भी कहते हैं, और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब यदि हम बात करें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो सामान्यतः कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन्स में पाया जाता है। तो यहाँ हम एल्केन के ही उदाहरण देखते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले एथेन मॉलिक्यूल में संरूपीय समावयवता को देखेंगे। हम जानते हैं कि एथेन के अणु में दो कार्बन परमाणु परस्पर सिग्मा बंध से बंधे होते हैं, और प्रत्येक कार्बन में तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यानी ये एथेन में इस तरीके से विभिन्न कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैथिल समूह है, और इस मैथिल समूह से ये दूसरा मैथिल समूह जो है वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, ये यदि हम देखें तो ये अक्षीय अतिव्यापन से प्राप्त होता है। मतलब कुछ इस तरीके का अतिव्यापन उसमें होगा, और इस अक्षीय अतिव्यापन के कारण ये सममित होता है। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड चूंकि बेलनाकार सममित होता है, इस कारण यदि हम एक मैथिल समूह को स्थिर माने और दूसरे मैथिल समूह को घुमाए, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर उसको घुमाए, तो ऐसा करने से ये कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु एथीन अणु की त्रिविम में अनेकों संरचनाएं प्राप्त होती हैं। एथीन की इन विभिन्न संरचनाओं को जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मुक्त घूर्णन के कारण प्राप्त हो रही हैं, उन्हें एथेन के संरूपण कहा जाता है। यदि इन विभिन्न संरूपणों को आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से दो संरूपण प्राप्त होते हैं, जिन्हें ग्रसित या सांत्रित संरूपण कहते हैं। ग्रसित संरूपण या इक्लिप्स्ड संरूपण में एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के आमने सामने होते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ पर न्यूमान प्रोजेक्शन से एथेन का अणु बनाऊं, तो ये पहला कार्बन है जिससे ये तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये दूसरा कार्बन है, इससे भी तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ग्रसित रूप में ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत पास यानी आमने सामने होते हैं, और आमने सामने होने से उनमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, और प्रतिकर्षण ज्यादा होने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इस फॉर्म को जिसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसे हम ग्रसित संरूपण कहते हैं। कौन सा संरूपण कहते हैं? ग्रसित संरूपण कहते हैं। और यदि इसको आप 60 डिग्री घुमा दें, तो घुमाने से आपको जो संरूपण मिलेगा वो इस तरीके का होगा। आपने इसको 60 डिग्री घुमाया, तो अब जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगा? एक मैथिल समूह आप
स्थिर करके रखे हैं और दूसरे को रोटेट कर रहे हैं, तो पहला वाला तो स्थिर है, वैसा ही रहेगा, और दूसरा घूमेगा, तो दूसरे के हाइड्रोजन परमाणु कहाँ आ जाएंगे? ऐसे। तो इनके बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा तो उनके बीच होने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, और उस अवस्था में अणु की ऊर्जा भी कैसी होगी? न्यूनतम होगी, यानी उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, और इस फॉर्म को हम कहते हैं सांतरित या स्टेगर्ड फॉर्म। तो ग्रसित फॉर्म जो है वो उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जबकि सांतरित फॉर्म की ऊर्जा कम होती है। यदि हम एथेन के विभिन्न संरूपणों को यहाँ देखना चाहें तो ग्रसित रूप से प्रारंभ करके हम प्रारंभिक एक मैथिल समूह को स्थिर रखें और दूसरे कार्बन को हम घुमाएं तो हमें विभिन्न प्रकार के संरूपण मिलेंगे। तो 60 डिग्री घुमाने पर हमको कुछ इस तरीके के ग्राफ आप देख रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार के संरूपण आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहला आप देख रहे हैं कि ये पूर्ण ग्रसित रूप है, जिसमें सारा हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। यदि हम इसको 60 डिग्री घुमा दें तो हमको सांतरित रूप मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 60 डिग्री पर जो ये कर्व का ग्राफ में कर्व की लोअर पीक आपको प्राप्त हो रही है, यानी इसकी ऊर्जा सबसे कम है। फिर वापस यदि आप इसको 60 डिग्री घुमा दें तो फिर से आपको ग्रसित रूप मिल जाएगा, यानी आपको हायर पीक मिलेगी। फिर उसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो फिर आपको सांतरित रूप मिलेगा। तो ऐसा करते करते यदि आप 360 डिग्री तक घुमाते हैं तो आपको मूल विन्यास प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रसित रूप और सांतरित रूप में जो ऊर्जा का डिफरेंस है वो कितना है, 12.13 किलो जूल पर मोल। तो इतनी ऊर्जा हमें आसानी से कमरे के ताप पर, यानी सामान्य ताप पर प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होते रहते हैं, और यही कारण है कि इनको सामान्य ताप पर प्राप्त करना, अलग अलग प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। चलिए, एथेन के संरूपण के बाद अब हम देखते हैं ब्यूटेन के संरूपण। तो यदि हम नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो होगा CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अच्छा, और एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, CH3। तो यदि हम इसका एक H हटाकर उसकी जगह CH3 लगा दें, ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी एक H हटाकर उसकी जगह CH3 लगा दें तो ब्यूटेन बन जाता है। यानी हम ब्यूटेन को एथेन का डाइमेथिल व्युत्पन्न मान सकते हैं, और जब एथेन को हम इस तरीके से लिखें तो यहां आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है और थर्ड नंबर वाला कार्बन है, उसके बीच जो सिग्मा बॉन्ड है उसे हम मान सकते हैं कि जो एथेन एथेन में जो दो कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड था उसकी तरह ये बिहेव करेगा। तो इसमें यदि हम C2 और C3 क्रम संख्या वाले कार्बन परमाणुओं द्वारा बनाए गए इस आबंध को घुमाते हैं, तो एक को स्थिर रख के जब दूसरे को घुमाया जाता है तो हमें इसकी विभिन्न त्रिविम व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जिसे ब्यूटेन के संरूपण कहते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से चार से ज्यादा संरूपण हमको प्राप्त होंगे, जिन्हें अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य संरूपण हैं। इसमें जब जो CH3 यदि एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो संरूपण सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CH3 का आकार बड़ा है
और जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब इस C2 और C3 बंध को घूर्णन के द्वारा घुमाया जाता है तो वो संरूपण जिसमें CH3, दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने आए, यानी कि यदि हम इसको इस तरीके से बनाएं न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा कि ये एक CH3 है, इससे ये H जुड़ा हुआ है, ये दूसरा H जुड़ा हुआ है, तो यदि दूसरे कार्बन का CH3 भी इसके साथ हो, इस तरीके से हो, तो ये आपका पूर्ण ग्रसित रूप कहलाता है। और यदि इस पूर्ण ग्रसित रूप को आप 120 डिग्री घुमा देंगे तो 120 डिग्री घुमाने से क्या होगा, ये CH3 कहाँ आ जाएगा, इस H के स्थान पर, यानी कि आपको क्या मिलेगा, पहला तो स्थिर है तो वैसा ही लिखाएगा, ये H, ये H, और यहां पर जो CH3 था वो अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ और दूसरा H यहाँ। तो इस तरीके से हमको अभी भी ग्रसित रूप मिल रहा है, मगर इस ग्रसित रूप में आप देखेंगे कि CH3 और H एक दूसरे के सामने हैं। तो ये जो फर्स्ट मॉडल था इसकी अपेक्षा प्रतिकर्षण जो है थोड़ा कम होता है, इस फॉर्म को ग्रसित रूप कहते हैं। यदि इसको भी 120 डिग्री घुमा दिया जाए तो 120 डिग्री घुमाने से अब क्या होगा, अब ये CH3, ये H, ये H, तो अब ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, H यहाँ, ये वाला H यहाँ, यानी अभी भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और CH3 एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी प्रतिकर्षण अभी भी होगा, पर फर्स्ट के कंपैरिजन में कैसा होगा, कम होगा। तो ये दोनों ही रूप इक्लिप्स्ड फॉर्म यानी कि ग्रसित रूप कहलाते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसको, ये जो पूर्ण ग्रसित रूप है इसको हम 60 डिग्री घुमा दें, या पूर्ण सांत्रित रूप चाहिए आपको तो इसको 180 डिग्री घुमा दीजिए। तो 180 डिग्री घुमाने से ये CH3 इस पोजीशन से अपोजिट पोजीशन पर आ जाएगा, यानी इसका फॉर्म कैसा हो जाएगा, CH3 H H, और आपने इसको 180 डिग्री घुमाया तो अब ये CH3 इसके सामने आ गया, हाइड्रोजन यहाँ और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों CH3 एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हैं, और अधिकतम दूरी पर है इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण कैसा होगा, सबसे कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो जो इनकी ऊर्जा होगी वो भी कम होगी, इसलिए इनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है आपका पूर्ण सांत्रित रूप। ये आपका फर्स्ट मॉडल था, ये आपका सेकंड मॉडल था, ये थर्ड और ये फोर्थ मॉडल यदि हम कहें, तो ये फोर्थ मॉडल आपका क्या बता रहा है, पूर्ण सांत्रित रूप या सांत्रित रूप बता रहा है। अब यदि इसको भी हम 120 डिग्री घुमा दें तो 120 डिग्री घुमाने पर अब क्या होगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, यानी उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल दिखेगा, CH3 H H, ये CH3 यहाँ दिखेगा आपको, H यहाँ दिखेगा, ये वाला H यहाँ। तो अभी आप देखिए कि ये CH3 और H के बीच में आ गया, मतलब थोड़ी दूरी तो है पर जितनी ज्यादा दूरी इसमें थी उतनी यहाँ नहीं है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी एनर्जी ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और एनर्जी भी इस फोर्थ फॉर्म की तुलना में कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक इसी तरीके से यदि इसको 120 डिग्री आप घुमा दें तो 120 डिग्री घुमाने पर अब आपको किस तरीके से ये मिलेगा,
ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये CH3 यहाँ आ गया, ये H यहाँ आ गया और ये H यहाँ आ गया। तो यहाँ भी अभी प्रतिकर्षण है पर कम है और इसकी तुलना में ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रूप जिनमें थोड़ा कम प्रतिकर्षण होता है वो रूप कहलाते हैं गौश रूप। तो यहाँ पर हमने ये ब्यूटेन के संरूपण देखे और इन ब्यूटेन के संरूपण में हमें मुख्य रूप से चार संरूपण देखने को मिले, पूर्णता ग्रसित, फिर हम कहें ग्रसित सेकेंड और थर्ड मॉडल, फिर इसके बाद हमारा सांत्रित रूप और उसके बाद गौश रूप। इसके बीच भी बहुत सारे फॉर्म पॉसिबल हैं जिन्हें हम विषम तलीय या गौश रूप कहते हैं। तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि विभिन्न ब्यूटेन के जो संरूपण हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं कि यदि हम पूर्ण ग्रसित रूप से शुरू करें इस फॉर्म से तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसके बाद यदि हम इनको 60 डिग्री घुमाते जाएं तो CH3 बीच में आ जाएगा, यानी आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा, गौश फॉर्म मिलेगा और गौश फॉर्म की एनर्जी पूर्ण ग्रसित की तुलना में कैसी होगी, कम होगी। अब यदि इस गौश फॉर्म को 60 डिग्री घुमा दें तो फिर आपको ग्रसित रूप मिलेंगे और ग्रसित रूप की ऊर्जा कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप 60 डिग्री घुमाएंगे तो आपको सांत्रित रूप, जिसे एंटी रूप या प्रतिरूप भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी पूर्ण ग्रसित को जब हमने 180 डिग्री घुमाया तो हमको सांत्रित रूप मिला और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सांत्रित रूप की ऊर्जा सबसे कम है। फिर आप इसको 60 डिग्री घुमाएं तो फिर से आपको ग्रसित रूप मिलेगा, पुनः घुमाने पर गौश रूप मिलेगा और ऐसा करते हुए जब आप 360 डिग्री पर आ जाएंगे तो आपको मूल रूप प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गौश फॉर्म है और एंटी फॉर्म है यानी सांत्रित रूप है, इन दोनों की ऊर्जाओं में बहुत कम ही अंतर होता है, लगभग 3.64 किलोजूल पर मोल का डिफरेंस है। जबकि यदि हम बात करें कि पूर्ण ग्रसित और सांत्रित रूप में कितना एनर्जी का डिफरेंस है तो लगभग 18.4 से 25.5 किलोजूल पर मोल का डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हमने ये ब्यूटेन के विभिन्न संरूपण देखे और इसे समझने की कोशिश की। दोस्तों अभी हमने एल्केन में संरूपीय समावयवता को देखा, अब हम साइक्लो एल्केन में संरूपीय समावयवता को देखते हैं। हम जानते हैं कि साइक्लो एल्केन में भी जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कार्बन एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इस कारण उनमें भी मुक्त घूर्णन पॉसिबल होता है और उनकी भी त्रिविम में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं संभव हैं जिन्हें हम उनके संरूपण कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन के मुख्य रूप से दो प्रकार के संरूपण संभव हैं, जिनमें से एक कहलाता है कुर्सी संरूपण और दूसरा कहलाता है नौका संरूपण। देख सकते हैं आप कि कुर्सी संरूपण में साइक्लोहेक्सेन ने जो स्ट्रक्चर लिया है वो कुर्सी की तरह दिखता है, चेयर की तरह दिखता है, इसलिए इसे चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं। जबकि दूसरे फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन ने अपने आप को नौका रूप बोट फॉर्म में अरेंज किया है, इसलिए इसको नौका संरूपण कहते हैं। इन दोनों ही संरूपण में जो नौका संरूपण है वो अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है और कुर्सी संरूपण ज्यादा स्थायी होता है। और यदि इनकी ऊर्जाओं को आप देखें तो इन दोनों रूपों की ऊर्जाओं में लगभग 44 किलो जूल पर मोल का अंतर होता है। यदि हम इसको कंपेयर करें हमारे ग्रसित और सांत्रित रूप से, तो जिस तरीके से एथेन में ग्रसित रूप में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और स्थायित्व कम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो नौका रूप होता है उसमें भी जो साइक्लोहेक्सेन के कार्बन है उस पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण होने लगता है, जिसके कारण
उसकी भी ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थायित्व कम हो जाता है, जबकि कुर्सी रूप में प्रतिकर्षण कम होता है और वो सांत्रित रूप के समान होता है, जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। चलिए हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं। हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक संरचना बनाता है, एक चक्रीय संरचना बनाता है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं और ये 6 कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में रहते हैं। तो वलय का जो प्रत्येक कार्बन है, यदि हम उसको इस तरीके से बनाएं, तो जो हर कॉर्नर है ये कार्बन को बता रहा है, और प्रत्येक कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और 2 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 12 हाइड्रोजन होते हैं। और ये तो अभी मैंने प्लेनार बनाया, पर ये अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए या तो कुर्सी रूप ले लेता है या नौका रूप ले लेता है। तो साइक्लोहेक्सेन के अणु में यदि हम हाइड्रोजन परमाणु देखें तो ये 12 हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं, जो कार्बन के sp3 संकृत अवस्था के साथ अतिव्यापन करते हैं और विभिन्न तलों में उपस्थित रहते हैं। यदि हम देखें हाइड्रोजन परमाणु की कुर्सी अवस्था देखें, यहाँ हम साइक्लोहेक्सेन की, तो इस कुर्सी संरूपण में ये जो 12 हाइड्रोजन है उनमें से 6 हाइड्रोजन तो तल के लंबवत होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो ये जो ज्यादा बड़ा बनाया यहाँ, तो ये जो 6 हाइड्रोजन है वो तल के लंबवत है, इनमें से 3 तल के ऊपर की ओर है और 3 तल के नीचे की ओर है। इन हाइड्रोजन को एक्सियल हाइड्रोजन कहा जाता है। कौन सा हाइड्रोजन? एक्सियल हाइड्रोजन, क्योंकि ये अक्षों पर स्थित होते हैं, जबकि जो दूसरे 6 हाइड्रोजन हैं वो तल में स्थित होते हैं और उन्हें निरक्षीय हाइड्रोजन कहा जाता है, या इंग्लिश में इक्विटोरियल हाइड्रोजन कहा जाता है। तो वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो यहां 6 एक्सियल हाइड्रोजन और 6 इक्विटोरियल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। आप इनको बना सकते हैं, बहुत इजी है। जो तल के लंबवत हैं वो अक्षीय हैं, जो तल में स्थित हैं वो निरक्षीय हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी संरूपण में किस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं। कुर्सी संरूपण में जो साइक्लोहेक्सेन की ये विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण कम होता है और इसलिए तनाव भी कैसा होता है, कम होता है। इस कारण वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। पर यदि हम नौका रूप की बात करें तो नौका रूप में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और इस नौका रूप में जो हाइड्रोजन परमाणु आपस में अरेंज होते हैं तो वो ये एक्सियल, ये इक्विटोरियल। यदि मैं पहले कार्बन और चौथे कार्बन की बात करूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, तो पहला कार्बन और चौथे कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो देखिए आप, वो हाइड्रोजन परमाणु नौका स्थिति में एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम गोल फॉर्म में बताएं तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं,
तो यहाँ ये दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, ये मैंने पहले भी आपको समझाया है, और इनके निकट आने के कारण उनमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण अणु का स्थायित्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और यही कारण है कि जो नौका संरूपण है वो कुर्सी संरूपण की तुलना में कम स्थायी होता है। इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को फ्लैगपोल हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। तो नौका संरूपण में एनर्जी कैसी होती है अणु की, ज्यादा होती है, जबकि कुर्सी संरूपण में अणु की एनर्जी कैसी होती है, कम होती है। ये कुर्सी संरूपण भी दो प्रकार के हो सकते हैं जो आपस में अंतः परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप देखें कि एक कुर्सी संरूपण से दूसरे कुर्सी संरूपण में जाने के लिए लगभग 45.18 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब एक कुर्सी संरूपण दूसरे कुर्सी संरूपण में परिवर्तित होता है तो उसे कहा जाता है फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग यानी बलय प्रतिवर्तन। और चूंकि इसमें 45.18 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता है जो कि सामान्य ताप पर ही उपलब्ध हो जाती है, इसलिए एक कुर्सी रूप आसानी से दूसरे कुर्सी रूप में परिवर्तित हो जाता है। फर्क क्या होता है? तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक कुर्सी रूप के जो एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु थे, जब वो दूसरे प्रकार का कुर्सी संरूपण बनाते हैं तो वो एक्सियल अवस्था में आ जाते हैं, और जो इक्विटोरियल थे वो एक्सियल में आ जाते हैं, जो एक्सियल थे वो इक्विटोरियल अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न संरूपण पॉसिबल है, कुर्सी और नौका उनमें से प्रमुख है, और जो कुर्सी संरूपण है वो ज्यादा स्थायी है, किसकी अपेक्षा, नौका संरूपण की अपेक्षा। इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो सामान्य ताप पर कुर्सी फॉर्म में पाया जाता है।